भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष वैभव पवार ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश भर में युवा मोर्चा के कई कार्यक्रम होंगे। देश भर में 8 करोड़ से ज्यादा नव मतदाता हैं, खासकर वो मतदाता जिनकी उम्र 18 से 23 वर्ष है, उन पर ध्यान ज्यादा दिया जाएगा। इन सभी मतदाताओं को नामो ऐप डाउनलोड कराया जाएगा और नए मतदाताओं से रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। 13 से 25 जनवरी के बीच रजिस्ट्रेशन का अभियान चलेगा। भाग्य विधाता के नारे के साथ विकसित भारत बनाया जाएगा। 5000 जगह पर नव मतदाताओं के सम्मेलन होंगे। 25 जनवरी को 50 लाख युवाओं को पीएम मोदी संबोधित करेंगे। मध्यप्रदेश में 5 लाख नव मतदाता इसमें शामिल होंगे। इसके साथ ही 2 राष्ट्रीय अधिवेशन भी होंगे, पहला चेन्नई और दूसरा लखनऊ में होगा। पूरा देश भर में इस बार जो पहली बार मतदान करने वाले युवाओं उनकी संख्या लगभग 8 करोड़ के लगभग है। 25 जनवरी को एक नव मतदाता सम्मेलन पूरे देश भर में आयोजित होने जा रहा है और यह एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने वाला है। इसको संबोधित देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी करेंगे। नौमो नव मतदाता सम्मेलन कुछ इस प्रकार का कार्यक्रम पूरे देश भर में होगा और मध्य प्रदेश में भी यह कार्यक्रम 460 स्थानों में होगा। इसमें हमने सुनिश्चित किया है कि प्रत्येक विधानसभा केंद्र पर 2-2 का स्थानों पर यह कार्यक्रम होगा और प्रत्येक स्थान में 1000 नव मतदाता जो पहली बार मतदान करने वाले हैं। इस प्रकार से 5 लाख नव मतदाता मध्य प्रदेश में भी इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बारे में 7820 7820 इसके माध्यम से हम नौ मतदाताओं को रजिस्टर्ड करने का काम करेंगे। पूरे देश भर में 1 करोड़ नौ मतदाताओं को रजिस्टर्ड करने का काम युवा मोर्चा के साथ ही पूरे देश भर में करने वाले हैं। मध्य प्रदेश में इस काम को हम 10 लाख नौ मतदाताओं को रजिस्टर्ड करने का काम करेंगे ऑनलाइन माध्यम से, स्कैन करने के माध्यम से जो हमारा कोड होगा उसको, और ये जो मिस कॉल का नंबर है 7820 7820 इस माध्यम से युवाओं को रजिस्टर्ड कराने का काम पूरे मध्य प्रदेश में आज से लेकर 13 से 25 तारीख के बीच में किया जाएगा। युवाओं को फायदा मिल रहा है, युवाओं को इस आज का युवा आज का नागरिक है और उसकी महती भूमिका है कि इस देश का नेतृत्व किस प्रकार का हो, इस देश का विकास किस प्रकार का हो, और जिस प्रकार से बढ़ते हुए भारत को और बदलते हुए भारत को आज का युवा देख रहा है। देश की अर्थव्यवस्था 5वीं अर्थव्यवस्था है, आगामी आने वाले समय में देश की अर्थव्यवस्था 3री अर्थव्यवस्था बनने की तरफ आगे बढ़ रही है। तो ये सारे विषय आज के युवाओं से जुड़े हुए विषय हैं, तो आज का युवा और उसकी भागीदारी सुनिश्चित होना ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आप ऐसे ही देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ प्रदेश तक पर। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर, और हाँ, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें।